दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। नए लोगों का भी स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दें और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे सबकी इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों मैं इस चैनल पर इंडस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के बारे में और बहुत सी कहानियाँ जो भी है बॉलीवुड के लगती जो भी कहानियाँ हैं वो सब के बारे में बताता हूँ। और दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है तो मैं धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए या तो फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत खूबसूरत होना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है लेकिन खूबसूरत के साथ में, खूबसूरती के साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना भी बड़ी एक बार मुश्किल हो जाती है हीरोइन के लिए भी, क्योंकि उस बहुत खूबसूरत होगी तो उसके टाइप का, उसके रिजेम्बलेंस कोई भी हीरो नहीं मिलेगा, तो मुश्किल हो जाती है ये प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को। और अगर हीरो बहुत खूबसूरत हो तो दोस्तों, अगर हीरो खूबसूरत हो तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। प्रॉब्लम हुआ था एक बड़े स्टार का, एक बड़े घराने के स्टार का, जिसके पिताजी, जिसके भाई, सभी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उसके डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत बड़ा नाम है उनका। तो दोस्तों उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो एक सीमा तक बंद के रह गए थे और आगे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो दोस्तों ऐसे ही बात है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगा, आइए मेरे साथ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शशि कपूर जी की। शशि कपूर जी जैसा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लायक और बहुत गोरा चट्टा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री के लिए। वो राज कपूर फैमिली से आता है। कपूर फैमिलीज में जो भी थे सभी एकदम गोरे चिट्टे ही थे और बहुत खूबसूरत होते थे क्या है भी, अभी भी रणवीर कपूर सब लोग है तो सब लोग खुश है, लेकिन बहुत खूबसूरत होना क्यों प्रॉब्लम होती है वो बताऊँगा। क्योंकि उन्हें रोमांटिज्म के लिए जो माना जाता है, रोमांस जो भी करते हैं, वही गाने मिले, वही फिल्में मिली, वही कहानियाँ मिली, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि वो सीरियस एक्टर हो सकता है, डांस वांस कर सकता है, पेड़ों के इर्द गिर्द घूम सकता है, हीरोइन के साथ गाने गा सकता है, लवर बॉय की टाइप की जो भी छवि उनकी हो गई थी। तो उन्होंने बहुत ट्राई की कि ये छवि वो तोड़े या तो फिर कुछ हटके फिल्में बनाए। इसके लिए उन्होंने खुद भी हटके फिल्में बनाई, चौरंगी लेन या तो जो भी दो तीन फिल्में जो थी। उनकी वाइफ एक फॉरेनर थी शशि कपूर जी की, और बहुत वक्त फिल्म जो आई थी उसमें भी उसको वही कैरेक्टर था, रोमांस वाला ये वो, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते हुए भी नहीं लगता था कि वो कुछ फाइट वाइट सीन करेगा या कुछ एंग्री ह्यूमन टाइप का करेगा, नहीं सोच सकते थे। तो ये एक उनके लिए बैरियर बन गया था। दोस्तों आगे की बात मैं कहूँगा, उससे पहले ये देखिए। दोस्तों एक बार ऐसे हुआ था कि ये अगर स्टार शशि कपूर जी जरा कुछ इतने बड़े एक्टिंग के मामले में तो थे, अगर वो चाहते तो अमिताभ बच्चन को भी एक्टर को टक्कर दे सकते थे, इतनी उनमें काबिलियत थी। लेकिन खूबसूरती की वजह से उन्हें किसी ने सोचा ही नहीं कि ये कुछ इस टाइप के कैरेक्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि पहली बार जब शर्मिला जी और उनकी जोड़ी बनी और वो काम करने गए तो शर्मिला जी पहली नज़र में देखते ही इतनी गुम हो गई थी कि अपने डायलॉग्स भी भूल गई थी। जब डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपको ये बोलना है या तो आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो वो बोली कि मैं तो इनको देख के ही सब कुछ भूल गई थी, दीवानी सी हो गई थी और एकदम डायलॉग्स भी भूल गई थी। तो दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत खूबसूरती भी कभी अड़चन बन जाती है, हीरो के लिए भी, हीरोइन के लिए भी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ जो कि हीरोइन बनी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से उसके जैसे उसके कंपेयर में कोई मिलता नहीं है, या तो हीरोइन है तो हीरो नहीं मिलता है ऐसा, मतलब खूबसूरत दोनों की जोड़ी बन जाए, या तो
हीरो एकदम खूबसूरत हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके साथ कोई हीरोइन को जोड़ना या तो उसके साथ कोई उस लेवल की कोई हीरोइन को रखना। दोस्तों ऐसा ही हुआ था कुछ शशि कपूर जी के बारे में। शशि कपूर जी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छे गोरे चट्टे थे, और आपने तो देखा ही होगा खानदान कपूर खानदान में सभी लोग बहुत गोरे चट्टे थे और सभी अच्छे हट्टे कट्टे थे, मतलब बहुत ही लगता था कि बहुत ऊंचे खानदान के हैं। ऐसा ही शशि कपूर जी के बारे में भी हुआ था। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि खूबसूरती कभी आपके लिए अड़चन भी बन जाती है, तो ऐसा ही हुआ था शशि कपूर जी का। जैसे मैंने बताया कि शर्मिला जी भी एक बार तो अपने डायलॉग भी भूल गई थी, तो दोस्तों उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। दोस्तों हुआ ऐसे कि 1948 में राज कपूर साहब एक फिल्म बना रहे थे आग। आग में वो उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और वो फिल्म कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद जब धर्मपुत्र फिल्म आई थी, वीआर चोपड़ा की फिल्म आई थी, वो पॉलिटिकल ड्रामा था, और वहां से उनको ब्रेक मिला और वो आगे बढ़ते ही चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा कब मनवाया, उन्होंने उनका अपनी एक्टिंग का लोहा वक्त फिल्म जो आई थी उसमें, और उसके बाद जो फिल्म आई थी जब जब फूल खिले उसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। वो बता सकते थे कि मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ, और उन्होंने बहुत दिल से काम किया था। जब जब फिल्म जब जब फूल खिले बहुत सुपर हिट हुई थी और वो छा गए थे फिल्म इंडस्ट्रीज पे। हालांकि बात ऐसी नहीं थी कि उनको कुछ अवार्ड या कुछ मिला नहीं, या तो जो भी सही काम मिला नहीं, उन्हें पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका था। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत फिल्म की। कभी ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने महज 100 रुपये लेके भी फिल्म की थी। तो रोमेश शर्मा जो थे, जो एक्टर थे, और वो पहली फिल्म कर रहे थे न्यू दिल्ली टाइम्स। तो न्यू दिल्ली टाइम्स में उन्होंने जब फिल्म की कहानी सुनी तो उनको बहुत अच्छी लगी, तो वो कह रहे थे कि उनके साथ वो काम करेंगे, और उन्होंने हामी भी भर दी। लेकिन एक बात ये हो गई, जब रमेश शर्मा उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सर मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग पैसे नहीं ले के भी काम कर रहे, फ्री में काम कर रहे। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने महज 111 रुपये लिए और वो फिल्म की थी न्यू दिल्ली टाइम्स। तो दोस्तों ये दशकों तक अपने उस पर राज करते रहे। एक बार शम्मी कपूर जी शूट कर रहे थे तब शशि कपूर जी उनके साथ गए थे, तो शर्मिला जी भी वहीं थी। तो शर्मिला जी ने जब पहली बार उनको देखा तो उनसे उनके मुंह से निकल गया कि ओ माय गॉड, दिस इज शशि कपूर, इतना खूबसूरत शशि कपूर है, और अपने डायलॉग भी भूल गई थी। फिर उन्होंने कहा कि सेट पे से प्लीज़ इन्हें बाहर ले जाइए शशि कपूर जी को, नहीं तो मैं डायलॉग बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतनी अचंभित हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी कि उनकी खूबसूरती से बहुत मोहित हो गई थी। दोस्तों यही रहा, उनको मेरी ओर से श्रद्धांजलि। उन्होंने बहुत काम किया था, जब जब फूल खिले में उन्होंने बहुत ही प्यारा काम किया था, वो फिल्म सुपरहिट रही थी। उन्होंने और बहुत सी फिल्मों में काम किया, भाइयों के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम भी किया था। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये कैसे लगा ज़रूर आप बताइएगा और मुझे लिखिएगा, तो मैं फिर ऐसे ही वीडियोस कुछ लाते रहूँगा। आप लोगों को जो भी चाहिए, जो भी देखना है, उसके बारे में मुझे लिखिएगा। दोस्तों नीचे जो लोगो आ रहा है उस पर साइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।